हेलो, गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास. माई सेल्फ नेहा वर्मा. तो शुरू करते हैं आज की क्लास. आज हम इंग्लिश में एंटोनिम्स करेंगे. एंटोनिम्स मतलब जिनका जो मीनिंग है ना, वो अपोजिट होता है वर्ड से, मतलब उल्टे शब्द या विलोम शब्द इसको हम हिंदी में कह सकते हैं. जैसे कि वाइड, वाइड का क्या होता है? नैरो. रिमेंबर का होता है फॉरगो. ब्लूज का टाइट. बाय का सेल. अबव का बिलो. ब्राइट का डल. अबव का बिल, यहाँ पे दो दो बार अबव बिलो है. चीप का एक्सपेंसिव. रफ का स्मूथ. बोरो का लैंड. क्वाइट का नॉइजी. अवेक का असलीप. तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आपको इन्हें आपको लर्न राइट करना है. इसे आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और लर्न भी करोगे. तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, हिंदी. देन हिंदी व्याकरण में आज हम पार्ट चार के प्रश्न उत्तर देखेंगे, संज्ञा के. तो पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं, उनके नाम भी लिखिए. तो संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये इसका उत्तर है. थर्ड है, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा के पांच पांच उदाहरण लिखो. तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उसका उदाहरण है ताजमहल, गीता, सुभाष चंद्र बोस, हिमालय, भारत. और भाववाचक संज्ञा में के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है ठंडा, गर्म, मीठा, कड़वा, बचपन. तो ये क्वेश्चन जो हैं आपको लर्न करने हैं और राइट करने हैं. तो आई होप आप लोग कर लोगे. अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं. देन मैथ्स में आज हम एक्सरसाइज 5C का रिवीजन करेंगे. तो ये क्वेश्चंस मैंने 9 के 9 आपको समझाए भी हैं, कराए भी हैं. तो आपको जो क्वेश्चंस इसमें से करने कौन कौन से हैं, 1, 3, 4, 6, 8, 9, ये क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस करने हैं अपनी रफ नोटबुक में. तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से करोगे. अगर आपको इनमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है स्टेटमेंट बनाने में या समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चंस, तो आप मुझसे पूछ सकते हो. अदरवाइज़ ये आपको खुद ही करना है. तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं. देन जीके में आज आप चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स जो दिए हुए हैं यहाँ पे, ये लर्न करोगे. चैप्टर का नाम है फेदर फेवरेट. तो यहाँ पे 11 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बर्ड डैट इज़ अ सिंबल ऑफ पीस. तो वो बर्ड जो सिंबल ऑफ पीस कहलाता है, तो वो डव है. व्हीकल ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, आउल को कहते हैं. फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईमू होती है. स्विमिंग बर्ड ऑफ अंटार्कटिका, पेंगुइन है इसका आंसर. द मेल अफ्रीकन बर्ड इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रिच. दिस बर्ड फ्रॉम क्यूबा इज़ द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड. स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा क्या, हमिंग बर्ड. द नेम ऑफ द बर्ड हू फॉट विद रावणा, ये है जटायु. देन अ कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट बर्ड, ये है डोडो. देन द ग्रेटेस्ट ट्रैवलिंग बर्ड, ये है आर्कटिक टर्न. एंड देन हाइएस्ट फ्लाइंग बर्ड, ये है बार हेडेड ग्रूस. देन 11th है, द बर्ड विच इज़ एसोसिएटेड विद गॉडेस सरस्वती, तो ये है स्वान. तो ये क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं, बहुत ही ईजी हैं. तो आसानी से कर लोगे आपको, तो आप इन्हें लर्न करोगे. तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल क्लास में देखते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.